वेलकम टू द हेलो वेलकम वेलकम टू द चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन कोरल ड्रॉ। तो हमारे पास बहुत सारे इंपोर्ट में, इंपोर्ट यानी क्या, इंपोर्ट मतलब कोई भी फाइल यहाँ पे कोरल ड्रॉ में लाना या फिर उसका यूज़ करना, कोई भी फाइल हो, जैसे कि CDR हो, AI हो। AI थोड़ा ये होता है, पर नॉर्मल अगर लोगो या फिर कुछ इंपोर्ट करना हो तो AI हम डायरेक्ट कोरल ड्रॉ में ला सकते हैं। JPG हो, PNG हो, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट है, TIFF हो, तो ये ऑप्शंस है यहाँ पे इंपोर्ट में। अगर हम कोई भी इमेज डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं तो देखो ये बहुत साइज़ ऊपर ज़्यादा है, इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये हमारे स्क्रीन के बाहर जा रही है या फिर पेज के बाहर जा रही है। तो हमें अगर प्रॉपर इसकी साइज़ चाहिए, इंपोर्ट इसकी प्रॉपर साइज़ हमें, अगर हमें इतनी एरिया में ये इमेज चाहिए तो ये इसको ड्रैग करना है, राइट क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके इतनी एरिया में इसको पेस्ट करना है। आपको जितना इमेज चाहिए उतना ही वो पेस्ट होगा, मतलब इंपोर्ट हो जाएगा। अगर हम नॉर्मली क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअल साइज़ में आ जाएगा, तो ये इसको हमें ड्रैग करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा, बहुत टाइम जाएगा। इससे अच्छा यहाँ पे हम नॉर्मली इंपोर्ट करेंगे इसको ऐसे, तो ये इतनी साइज़ में आ जाएगा जितने आपको उनको उसकी ज़रूरत है। चाहिए तो और छोटा कर सकते हैं या फिर बड़ा कर सकते हैं बाद में। ये आपका प्रोसेसिंग टाइम बचा सकता है अगर आप ये टिप यूज़ करोगे तो। अब ये छोटी इमेज थी इसलिए ठीक है, ये अपन नॉर्मली ले सकते हैं। अगर ज़्यादा साइज़ बड़ी हो तो नॉर्मली हम वो यूज़ कर सकते। तो नेक्स्ट है हमारे पास, समझो JPG है, PNG है, क्योंकि ये इसका बैकग्राउंड देख रहे हो आप ट्रांसपेरेंट है, तो इसको हम PNG बोलते हैं। ये है JPG, PNG, JPG। छोटा सा मैंने एनिमेशन भी कर दिया, ठीक है कोई नहीं। तो हमें इस PNG को एक्सपोर्ट करना है यहाँ से। अगर मैं इसको JPG करूँगा तो क्या होएगा, चलो देखते हैं हम। सिलेक्शन ओनली क्यों ऑप्शन है, क्योंकि हमें उतना ही एरिया सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ जितना सिलेक्शन दिख रहा है ये इतना ही एरिया एक्सपोर्ट होगा, इसके बाहर का नहीं होगा। ये सिलेक्शन ओनली ऑफ कर देंगे तो इसके बाहर का पूरा जितना आर्टवर्क है उतना सिलेक्ट हो जाएगा, हमें सिर्फ सिलेक्शन ओनली करना है, ये इतना ही एरिया एक्सपोर्ट होगा। चलो देखते हैं हम क्या होता है। देखो एक्सपोर्ट में देखो ये JPG हो गई, ये PNG थी, यहाँ पे ये वाइट बैकग्राउंड कम सॉफ्टवेयर ने लगा के दे दिया हमें, ये JPG कन्वर्ट हो गई, PNG टू JPG डायरेक्ट कन्वर्ट हो गए। वैसे ही हम इसको अलग अलग ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, इसका PDF भी बना सकते हैं, CDR बना सकते हैं, AI फाइल है, पर वो सिर्फ इमेज ही होगा, वो कोई वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, जो हमारी फाइल फॉर्मेट है वो चेंज नहीं होगा, ये इमेज है तो इमेज ही होगा, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट ही होगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा इमेज टू वेक्टर फॉर्म में। तो ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन है, AI है, PDF है, कोरल ड्रॉ है, TIFF है। तो जैसे जैसे हमारी फाइल फॉर्मेट, हमें अभी लोगो, अभी समझो ये लोगो है तो इसको हमें क्लाइंट को देना है PNG फॉर्मेट में, तो यहाँ पे PNG ऑप्शन है, तो ये PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये फुल फॉर्म है, तो इसको हम PNG एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को दे सकते हैं, वो फिर क्लाइंट वेबसाइट में या फिर और जगह पे यूज़ कर सकता है। इसका JPG भी बना के दे सकते हैं, लेकिन याद रखना इसका बैकग्राउंड कौन सा रहना चाहिए, वाइट हो सकता है या फिर ब्लैक हो सकता है, डिपेंड है जो हमारे बैकग्राउंड जिसके पास यूज़ हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन है कोरल ड्रॉ में, और Ctrl+I और Ctrl+E ये शॉर्टकट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।